गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों, मैं रेखा सक्सेना डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जारी से आज मैं आपके सामने कक्षा सप्तम की पाठ आठ एशियाई खेल लेकर उपस्थित हूँ। तो प्रिय बच्चों, पहले हम देखेंगे कि एशियाई खेल क्या होते हैं और इनका जो प्रारंभ है वो कैसे हुआ। तो हमारा जो एशिया महाद्वीप है, उस एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, थाईलैंड, जापान, ये जितने भी देश हैं, इन देशों ने अपनी कुछ ऐसे खेल प्रतियोगिताएं जो कि उनके देश के अंतर्गत ही खेली जाती थी, गली मोहल्लों में खेली जाती थी, उन सबको इकट्ठा करके एक एशियाई खेल के नाम से प्रतियोगिताएं बना ली। इन प्रतियोगिताओं में बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा। जैसे तैराकी, गोल्फ, बैडमिंटन, टेनिस, गोताखोरी, तैराकी, इसके अतिरिक्त कुश्ती, कबड्डी, इत्यादि और भी ऐसे गेम्स हैं जो एशियाई खेलों के अंतर्गत खेले जाते हैं। इसमें घुड़सवारी, साइकिलिंग, तीरंदाजी, चलो शुरू करो, यहाँ से बता दूंगी फिर नीचे को जो बॉल, हॉकी इत्यादि खेलों की प्रतियोगिताएँ एशियाई खेलों के अंतर्गत की गई। और इसका जो प्रथम आयोजन हुआ था वो 1951 में दिल्ली में हुआ था। तथा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एशियाई खेलों का उद्घाटन किया था। इसके अतिरिक्त प्रिय बच्चों, एशियाई खेल के बारे में कुछ महापुरुषों के भी विचार हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे जॉर्ज
वर्नाड शाह ने कहा था कि यदि हम खेलते रहेंगे तो कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। महात्मा गांधी ने भी कहा था यदि भारतीय बालकों को विश्व स्तर पर आगे बढ़ाना है तो पाठ्यक्रम में खेल शामिल करना होगा। ये कुछ कथन है जो एशियाई खेलों के बारे में कहे गए थे। अब मैं प्रिय बच्चों आपको इसके बारे में एक बात और बता दूं कि एशियाई खेलों का नामकरण हमारे तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के साथ मिल जाएगी। काम करें इसी के साथ। धन्यवाद। प्रिय छात्रों आगे देखेंगे आपकी हिंदी की जो दूसरी पुस्तक है भारत की दिव्य विभूतियाँ, उसमें पाठ चार राजा भगीरथ। राजा भगीरथ के बारे में अनेकों ने कहानियाँ प्रचलित हैं। आज हम उनकी एक कहानी का यहाँ पे वर्णन करेंगे कि राजा भगीरथ किस प्रकार गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए। राजा भगीरथ अयोध्या के राजा सगर के पुत्र थे, जिनकी जो दो रानियाँ थीं उनकी बड़ी रानी के पुत्र राजा भगीरथ थे। एक बार राजा भगीरथ के पिता महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इस यज्ञ का उद्देश्य था कि पूरी पृथ्वी पर उनके समान प्रतापी शूरवान पराक्रमी साहसी कोई भी राजा ना हो। इसीलिए अश्वमेघ यज्ञ करते समय एक घोड़ा छोड़ा जाता था जो सभी राज्यों का चक्कर लगा के अपने राज्य में वापस आ जाता था। यदि कोई उस घोड़े को नहीं पकड़ता था तो ऐसा माना जाता था कि वह राज्य इस पूरे भारतवर्ष में सबसे उत्तम राज्य है और कोई भी उसका विरोधी या शत्रु नहीं है, क्योंकि उससे शत्रुता लेने का साहस किसी भी राज्य में नहीं है। परंतु यदि कोई उस घोड़े को पकड़ लेता था तब यह माना जाता था कि जिस राज्य ने वह घोड़ा पकड़ा है वह राज्य अश्वमेघ यज्ञ कराने वाले राज्य के साथ युद्ध करेगा और जो जीतेगा वह पराक्रमी राजा होगा। राजा सगर ने जब यह घोड़ा छोड़ा तो इंद्र, जो कि राजा सगर से अत्यंत ईर्ष्या किया करते थे, उन्होंने उस घोड़े को पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि जो कि तपस्या में रत थे उन्हें इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं था। राजा सगर ने अपने पुत्र भगीरथ को वह घोड़ा प्राप्त करने के लिए भेजा।
तब भगीरथ उस घोड़े को देखने के लिए पहले स्वर्ग, फिर पृथ्वी और फिर पाताल लोक में गए। कपिल मुनि पाताल लोक में तपस्या में रत थे और वह घोड़ा उनके आश्रम में बंधा हुआ था, क्योंकि राजा इंद्र ने वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया था। जब भगीरथ ने वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो वह क्रोध से पागल हो गए और उन्होंने कपिल मुनि को युद्ध के लिए दरकार दिया। परंतु कपिल मुनि ने जब अपनी आंखें बंद करके सत्य का पता लगाया तो वे जान गए कि ये घोड़ा ईर्ष्यावश इंद्र ने यहाँ पर बांधा है, और उन्होंने इंद्र को दंडित करने का मन बना लिया। राजा भगीरथ उस घोड़े को लेकर अयोध्या में वापस आ गए। राजा सगर को एक बार ये स्वप्न आया कि आपके जो पूर्वज हैं वे अतृप्त हैं, और उनकी तृप्ति कब होगी? जब आप गंगा के जल से उनका पिंडदान करेंगे। उस समय गंगा प्रिय छात्रों पृथ्वी पर नहीं बहा करती थी, वह स्वर्ग में थी। जब राजा भगीरथ को यह बात पता चलती है कि गंगा पृथ्वी पर नहीं है और मेरे पूर्वज अतृप्त हैं, तो उन पूर्वजों की तृप्ति के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तप किया। एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने हिमालय पर जाकर शिव जी की तपस्या की, और शिव जी ने प्रश्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि गंगा पृथ्वी पर आ जाएगी। परंतु छात्रों, गंगा का वेग गति इतनी तेज थी कि पृथ्वी पर यदि वह ऐसे आ जाती तो इस पृथ्वी को बहाकर अपने साथ ले जाती। इसीलिए राजा भगीरथ ने शिव जी की तपस्या करके उनसे यह भी वरदान प्राप्त किया कि आप गंगा के वेग को अपनी जटाओं में रोकेंगे, और शिव जी ने स्वर्ग से आती हुई गंगा के वेग को अपनी जटाओं में रोक दिया और उसकी एक धारा पृथ्वी पर भेज दी, जिससे राजा सगर ने अपने पूर्वजों का उद्धार किया। प्रिय बच्चों, इसकी पीडीएफ भी आपको लेसन के साथ मिल जाएगी। अब देखेंगे हम पाठ 6, दृढ़ प्रतिज्ञा भीष्म। भीष्म के बारे में आप सभी ने सुना होगा, हम सभी ने महाभारत देखी है, सुनी है, पढ़ी है, और उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा के बारे में भी आप सब ने सुना होगा। एक छोटी सी कहानी में दृढ़ प्रतिज्ञा भीष्म के बारे में आपको बताती हूँ। वह कहानी क्या है? जो भीष्म थे वो राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। पहले समय में, प्राचीन समय में, एक राजा के कई रानियाँ हुआ करती थीं। तो शांतनु एक बार जब आखेट खेल रहे थे, शिकार खेल रहे थे, तब वे वन से होकर जा रहे थे, जहाँ पर एक अत्यंत सुंदर कन्या गंगा नदी में बैठी हुई पूजा कर रही थी। जब राजा शांतनु ने उस कन्या को देखा तो वो उस पर मोहित हो गए और कहने लगे कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। वे गंगा थी, उन्होंने राजा शांतनु से विवाह कर लिया और गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम देवव्रत रखा गया। उसके पश्चात बहुत दिन हो गए, राजा शांतनु फिर आखेट खेलने के लिए गए। वहाँ पर जंगल में एक युवती अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, वह भी अत्यंत रूपवती थी। राजा शांतनु ने उससे विवाह करने का मन बनाया, परंतु वह निषाद की कन्या थी। निषाद ने विवाह करने के लिए एक शर्त रखी कि यदि आप मेरी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं तो जो मेरी पुत्री का पुत्र पैदा होगा उसे ही आपको सिंहासन देना पड़ेगा। शांतनु इस पर शांत हो गए और वे चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए। परंतु सत्यवती का विचार उनके दिमाग से नहीं जाता था। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और वह राजकाज के कार्यों में भी भाग नहीं लेते थे। देवव्रत से अपने पिता की यह हालत देखी नहीं जाती थी और वह पिता के लिए चिंताग्रस्त रहने लगा। उसने एक दिन जाकर अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, मुझे बताइए आपको क्या कष्ट है, मैं आपके उस कष्ट का निवारण करूँगा। तब शांतनु ने देवव्रत से कहा कि मैं सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ, परंतु उसके पिता निषाद ने एक ऐसी शर्त रखी है जिसको मैं नहीं मान सकता, क्योंकि
शांतनु कभी भी ये नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र देवव्रत राजा न बने, परंतु होता वही है जो नियति को मंजूर होता है। देवव्रत ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि मुझे इस राजगद्दी का कोई भी लालच या लोभ नहीं है, अतः आप उनसे विवाह कीजिए और हस्तिनापुर का साम्राज्य भी आप उनके पुत्रों को दे दीजिए। तब राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर दिया। सत्यवती से विवाह करने के उपरांत उनके दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। विचित्रवीर्य और चित्रांगद दोनों ही पुत्र अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब हस्तिनापुर पर भारी संकट मंडराने लगा कि हस्तिनापुर का सिंहासन कौन संभालेगा। तब कठोर तपस्या के पश्चात देवव्रत ने शांतनु का विवाह कराया, जिससे पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर तीन पुत्र पैदा हुए। धृतराष्ट्र क्योंकि आंखों से अंधे थे, इसीलिए पांडु को हस्तिनापुर का सिंहासन दिया गया। परंतु नियति का खेल बहुत ही अजब गजब होता है। पांडु अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और हस्तिनापुर का साम्राज्य धृतराष्ट्र के हाथ में आ गया। पांडु के 5 पुत्र थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। जो पांडु के पुत्र थे वे पांडव कहलाए और जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वे कौरव कहलाए। देवव्रत जो कि प्रतिज्ञा करने के बाद भीष्म हो गए थे, उनका नाम भीष्म पड़ गया था, वे अभी भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे। जिस समय धृतराष्ट्र राजा बने, उस समय युधिष्ठिर सबसे बड़े पुत्र थे, परंतु धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे पांडु पुत्र युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का साम्राज्य दिया जाए। वे अपने पुत्र दुर्योधन को हस्तिनापुर का साम्राज्य देना चाहते थे। इस साम्राज्य के लिए कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ। भीष्म के समान पराक्रमी महाभारत में कोई भी वीर नहीं था। उन्होंने अपनी पूर्ण निष्ठा से उस साम्राज्य को बचाने के लिए कौरवों की ओर से युद्ध किया। उनको मारने का कोई भी उपाय नहीं था। तब अर्जुन ने अनुनय विनय करके उनसे पूछा कि पितामह बताइए, युद्ध में आपको कैसे परास्त किया जा सकता है। तब उन्होंने बताया कि मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, इसीलिए तुम शिखंडी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देना। ऐसा ही हुआ। अगले दिन श्री कृष्ण ने जो कि अर्जुन के सारथी थे, शिखंडी को लाकर भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर दिया। भीष्म पितामह ने अपने हथियार नीचे रख दिए और अर्जुन ने बाणों से उनके पूरे शरीर को भेद दिया। उस बाणों की संख्या पर ही भीष्म पितामह 6 महीने तक पड़े रहे, क्योंकि इच्छित मृत्यु का वरदान था। उस समय सूर्य दक्षिणायन में था और जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब वे अपना शरीर त्यागना चाहते थे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो उत्तरायण में अपना शरीर त्यागते हैं वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जैसे ही सूर्य की किरणों ने उत्तरायण में प्रवेश किया, भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार भीष्म पितामह का बलिदान भारत के इतिहास में अमर है। प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो लेकर फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।